पहले जमाने में आपको मालूम है, अपने संवाद को भेजने के लिए लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, चिट्ठी लिखते थे और क्या करते थे मालूम है, उस चिट्ठी में टिकट नहीं लगाते थे, बैरंग चिट्ठी बैरंग लेटर क्यों डालते थे, कि जल्दी पहुंच जाएगा, ध्यान रखिए, वायरे देश का स्टैंडर्ड जल्दी पहुंचाने के लिए बेईमानियां शुरू हो गई। आप बताइए, जिस लेटर में चिट्ठी ना हो उस लेटर को वैरंग लेटर बोला जाता है, वैरंग चिट्ठी बोली जाती है, और वह चिट्ठी यदि सामने वाले के पास जाए और जब वो चिट्ठी लेगा तो क्या करना पड़ेगा उसको, बोलो, पैसे देना पड़ेंगे ना, कितने देना पड़ेंगे, डबल देना पड़ेंगे, क्योंकि टिकट नहीं लगी है, वहां का भी चार्ज लगेगा यहां का भी चार्ज लगेगा। एक बात बताइए बारामती वालों, यदि बैरंग चिट्ठी तुम्हारे घर में आई है आपको डबल पैसा देना पड़ेगा, और यदि आप चिट्ठी नहीं छुड़ाते हैं तो चिट्ठी लौट के कहां जाएगी, बोलो, चिट्ठी नहीं लिखी कभी, पैदा होते ही मोबाइल ले लिया क्या हाथ में, वह चिट्ठी लौट के वहीं जाती है जहां से आती है। यदि आपने चिट्ठी नहीं छुड़वाई तो बैरंग लेटर बैरंग वापस चला जाता है, और जब वहां जाता है तो उससे डबल किराया वसूल किया जाता है। आपसे मेरा निवेदन है, गाली भी एक बैरंग चिट्ठी हुआ करती है, सामने वाला हमें दे रहा है, और यदि हम उस गाली को स्वीकार ना करें, उस गाली को ना लें, तो गाली लौट कर कहां जाएगी, जहां से आई है वही। लेकिन आदमी तो बैरंग चिट्ठी लेने को तैयार खड़ा है, पढ़ से लाभ क्या लिखा है, ध्यान रखना, जितना चिट्ठी भेजने वाला स्वतंत्र है उतना लेने या नहीं लेने वाले आप भी स्वतंत्र हुआ करते हैं। किसी ने गाली बकी, आप लेते क्यों, उसको वापस छोड़ दीजिए, जहां से गाली आई है वहीं पर लौट कर चली जाए। भूतकाल के लिए कभी क्रोध मत करो, वो समय गुजर गया, वो परिस्थिति गुजर गई, वो वातावरण चला गया, क्रोध अभी तक सीने से लगा के बैठे हो, ध्यान रखिए, रात गई सो बात गई, भूल जाइए उसको, वरना कुछ लोग बचपन की दुश्मनी को आज तक अपने सीने से लगाकर, अरे किसी ने कुछ कह दिया, दो बातें कह दी, अरे तो क्या बिगड़ गया अपना है। यदि लड़ाई झगड़े में तुम जीत गए, जब भी ध्यान रखना, देवरानी से लड़ाई हो, सास से लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, बाप बेटे में लड़ाई हो, आदमी ये प्रयास करता है कि मैं जीत जाऊं, सामने वाला हार जाए तो बड़ी शांति मिला करती है। एक बात बताइए, आप एक बात मुझे बता दीजिए कि आप यदि छोटे मोटे झगड़ों में जीत गए तो क्या रामनाथ कोविंद आपको भारत रत्न का अवार्ड देंगे, नहीं नहीं देंगे तो बताओ, फिर खूब लड़ो, हाथ में डंडा ले लो, पत्थर, कौन सा सम्मान मिल जाएगा। यदि दो लोगों के विवाद में एक आदमी जीत गया तो उस समय ये सोचना, इससे मुझे कौन सी उपलब्धि मिल गई, कौन सा प्रधानमंत्री मेरा सम्मान कर देगा, कौन सा राष्ट्रपति मुझे अवार्ड देगा, कौन मुझे भारत रत्न बना देगा। आप बताइए, आप जीत भी गए भाई से झगड़ के, देवरानी से यदि जिठानी जीत भी गई तो कौन सा उसे वर्ल्ड कप इनाम में मिल रहा है, विचार करिए, आप इतना दिमाग लगा लीजिए, लड़ने की क्या जरूरत, झगड़ने की क्या जरूरत है, और इस लड़ाई में जीत भी गए तो कौन सा हमारा नाम हो जाएगा, कौन सी मालाएं हम पर डलेंगी। अरे इतना ही जीतने का शौक है ना, तो जाओ सीमा पर पाकिस्तान को जीत कराओ, भारत तुम्हें सम्मान की निगाहों से देखेगा, हिंदुस्तान में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पाकिस्तान को जीतो या ना जीतो, महावीर की तरह खुद को जीत लो, दुनिया तुम्हें भगवान मानना प्रारंभ कर देगी, दुनिया तुम्हें पूजा करना प्रारंभ। जीतना है तो अपने आप से जीतो, लड़ना है झगड़ा करना है तो अपनी गलत प्रवृत्तियों से झगड़ा करो, ये दुनिया तुम्हें महापुरुषों की श्रेणी में ले जा करके बिठा। आदमी छोटी मोटी लड़ाइयों को बहुत बड़ी जीत समझता है, दो भाई लड़ गए जीत गए तो अरे हम तो बहुत बड़े विश्व विजेता बन गए, इन जीतों में छोटी जीतों से खुश मत हो, यदि क्रोध को जीतना है तो ध्यान रखिए। मान्यवर, बात छोटी है बात बहुत बड़ी है, समझो तो बड़ी है ना समझो तो बात की कोई कीमत नहीं है, ध्यान रखिए।
दिक्कत इसी बात की है कि हम लोग छोटी जीत को बहुत बड़ी जीत समझा करते हैं। क्या होगा किसी से बहस करने में जीत गए, ये बहुत बड़ी जीत नहीं होती है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ध्यान रखिए, दिलों को जीतने का प्रयास करिए। किसी से लड़के जीत गए तो बहुत बड़े विजेता या सम्राट नहीं कहला जाओगे। एक बात याद रखना, यदि कमठ जीत भी जाता तो दुनिया उन्हें पारसनाथ नहीं मानती। रावण जीत भी जाता तो राम की तरह उनके मंदिर नहीं बनाए जाते। ध्यान रखना, रावण हार गया, राम जीत गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राम इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने रावण को मारा है। राम इसलिए महान है कि पूरे दो साल तक रावण से युद्ध चला, लेकिन राम के चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं हुआ करती है। इसलिए राम के दुनिया में मंदिर बनाए जाते हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मान्यवर, कई लोग भविष्य के झगड़े करते हैं, कई का क्रोध फ्यूचर टेंस को लेकर होता है, मेरा क्या होगा। कल कह रहा था ना वो सेठ, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या। धत तेरे की सामान 100 वर्ष का पल की खबर। क्यों जोड़ रहा, क्यों इतना सब कुछ कर रहा, आने वाली पीढ़ी के लिए जोड़ करके जा रहा हूं, उनका भविष्य बना रहा हूं। अपना बच्चों का भविष्य बनाने में भाई का भविष्य बिगाड़ देते हो आप। विचार करिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए वर्तमान पीढ़ियों को आप तबाह कर देते हो। ध्यान रखना है मान्यवर, भविष्य को लेकर क्रोध करते हैं। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, वो बंबई जा रहा था पूना से, यहां से तुम्हारी बारामती से बंबई जा रहा था। बेटा स्कूल से आया, जैसे ही स्कूल से बेटा आया उसने बैग रखा, मुल्ला ने तड़ातड़ 10-20 चांटे जमा दिए उसके गाल में। पत्नी बोली, यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बच्चा अभी स्कूल से आया है और तुमने इसको 10 चांटे लगा दिए। अरे मुल्ला ने कहा, तू चुप खड़ी रह, तू बीच में मत बोल। अरे तो बोले, तू मार काय को रिया है। बोले मैं बंबई जा रहा हूं इसलिए इसकी पिटाई कर रहा हूं। अरे यार ये कोई बात है कि तुम बंबई जा रहे हो बच्चे की पिटाई कर रहे हो। अरे बोले मार लेने दे आज इसको जी भर के। अरे बोले तू कैसा बाप है भाई, एक बाप बच्चे से दूर जाता है तो गले लगाता है, प्यार करता है, और तू इसकी पिटाई कर रहा। मुल्ला ने कहा, आज इसे जी भर के पीट लेने दे, मैं बंबई जा रहा हूं, महीने भर लौट के नहीं आऊंगा, आज इसे पिटाई करके जाऊंगा। अरे पत्नी ने कहा कि यार मार क्यों रहा है। बोले तू नहीं समझेगी, मार इसलिए रहा हूं कि अब मैं महीना भर तो घर आऊंगा नहीं, परसों इसका रिजल्ट आने वाला है और मुझे मालूम है फेल होगा, और जब मैं यहां नहीं रहूंगा तो इसे मारेगा। कौन धर तेरे की आदमी, फिजूल की बातों के झगड़े हमारे घरों में हुआ करते हैं। जिठानी लड़ती है, पति समझाता है कि झगड़ा मत कर, तुम कुछ नहीं समझते हो, तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दिया करता है, भविष्य को लेके झगड़े कर रहे हो। एक बात ध्यान रखिए, न भूत को स्मरण करो न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में जियो और वर्धमान बन करके खड़े हो जाइए, आपके जीवन की समस्याओं का हल हो जाएगा। जो वर्तमान में जिएगा वो वर्धमान होगा, जो भूत में जिएगा भूत बन जाएगा। भविष्य हमारे हाथ में होता नहीं है। ध्यान रखिए मान्यवर, किस बात के झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं हम लोग। दिक्कत इस बात की है जहां चार लोग मिलते हैं, बात की शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है, इतने अच्छे से, लेकिन एंड बहुत बुरा हुआ करता है। लास्ट में हमारी सभाओं का, हमारी मीटिंगों का अंत लड़ाई झगड़े से हुआ करता है। इकट्ठे तो होते हैं, आओ बैठो कुछ विचार विमर्श करेंगे, ऐसा विचार विमर्श होता है कि बाद में हाथापाई पर नौबत आ जाया करती है। मान्यवर, आज संसद में क्या हो रहा है, विधानसभा में क्या हो रहा है, माइक फिक रहे हैं, कुर्सियां फिक रही हैं, जूते फिक रहे हैं, ये देश का आदर्श हो गया है। क्या प्रेरणा लेगी जनता इन लोगों से। मान्यवर, जीवन को महान बनाना है तो सहन करना सीखिए, सहनशीलताएं खत्म हो गई हैं हमारी। दो बात किसी की कोई बर्दाश्त नहीं करता है, पति कहता है मैं पत्नी की नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, सारा
बहू कहती है मैं बुढ़िया की क्यों सुनूं? अब तुम अपने घरों में तो किसी की सुनना नहीं चाहते हो और मेरे कमरे में आके मुझे सब सुना के चले जाते हो। तो भैया जब सास नहीं सुन रही, बहू नहीं सुन रही, भाई नहीं सुन रहा, देवर नहीं सुन रहा, तो पुलक सागर काहे को सुनेगा तुम्हारे? जो आता है वो मुझे सुना के, हमारे घर में ये हो रहा वो हो रहा, इसका स्वभाव खराब उसका स्वभाव खराब, जब तुम नहीं सुन रहे तो मैं काहे को सुनूं? लेकिन मैं अपने को किस्मत वाला समझता हूं कि जो बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, जो सास ससुर की नहीं सुनते, जो भाई भाई की नहीं सुनता, देवरानी जिठानी की नहीं सुनता, मेरी किस्मत है कि घंटे भर तुम शांत होकर मुझे सुनते हो। इससे ज्यादा मेरी किस्मत दूसरी कितने शांत होकर सुन रहे, मैं कुछ भी बोल रहा हूं तुम तो बड़े शांति से सुन रहे। एक बात बताऊं बारामती वालों, इतने शांति से यदि घर की बातें सुन लो, घर वालों की सुन लो, तो तुम्हारे घर में झगड़ा होने का कोई चांस पैदा ही। लेकिन हम घर में तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सास शेर तो बहू, कौन बोला सवा शेर, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, नहीं थोड़ा सा सहन करो, सुनो, सुनने की कला डालिए, सुनाइए मत, ज्यादा मत सुनाओ किसी को, ज्यादा मत बोलो, कम बोलो, मौन रहो, ज्यादा मत बोलिए। ज्यादा बोलने के लिए पुलक सागर बैठा है ना तुम्हारी बारामती में, जितना भी ज्यादा बोलना मुझसे बुलवा लो, लेकिन तुम लोग ज्यादा मेरी लोग सुन लेंगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, ध्यान रखना। मान्यवर विचार करिए, क्रोध आता है। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, घर में मम्मी पापा यदि लड़ते हैं तो मैं बच्चों को एक सूत्र दे रहा हूं, जो बच्चे नहीं आए हैं उन्हें मेरी ये सीडी सुना देना, प्रवचन सुना देना, यूट्यूब में दिखा देना, आपका क्रोध 2 मिनट में भाग जाएगा। जब मम्मी पापा बहुत क्रोध कर रहे हो ना, तो आजकल एक वो आया है, एक पेन है जिसमें रिकॉर्डिंग हो जाती ना, वीडियो बन जाती है, आवाज वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाती है। जब मम्मी पापा लड़े बेटा, तो पेन में रिकॉर्डिंग कर लिया करो, फिर देखना ये क्रोध में क्या क्या बकते हैं। और जब ये शांत हो जाए, और शांत होने के बाद भी नहीं, जब घर में कोई मेहमान आए तो उन्हें नमोकार मंत्र की धुन मत सुनाना, नमोकार मंत्र की झनकार नहीं, मम्मी पापा की टनकार सुनाना। उस समय पता लगेगा कि हम क्रोध में क्या क्या बोल गए। क्रोध में ध्यान रखना, क्रोध में आदमी बेहोश हो जाता है, उसे होश नहीं रहता कि मुझे क्या बोलना है। एक बार एक आदमी तो क्रोध में इतना बोला, गुस्से में इतना बोला, अपने बच्चे को बोला अबे गधे की औलाद। बच्चे ने कहा सही कह रहे हो बापू, ध्यान रखिए, आदमी होश थोड़ी रहता मैं गुस्से में बोल क्या रहा हूं, अबे गधे की औलाद। अब विचार करिए, उसने कहा गुस्से में, एक पति ने पत्नी से कहा कि क्योरी जब तेरी शादी हुई थी तू पागल थी क्या जो मेरे से शादी, पागल थी क्या जो शादी के समय तूने नहीं देखा मुझे, अब तुझे गुस्सा आ रहा है, पागल थी क्या? पत्नी ने कहा पागल नहीं होती तो तुझसे शादी काहे को करती, ये पागल ही तो था। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी ने अपने पति से कहा यार तू तो इतना भोला है, इतना भोला है, इतना भोला है कि तुझे तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पति ने कहा ज्यादा मत बोल, बोले तुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पति ने कहा बिल्कुल सच कह रही है, सबसे पहले बेवकूफ तो तेरे बाप ने मुझे बनाया जो तेरे से शादी कर दी। ध्यान, आदमी क्रोध में क्या क्या भूल जाता, उसे होश ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता, सब रिकॉर्डिंग कर लो। और जब मेहमान आए, यदि सासू बहू लड़ रही हो ना तो देवरानी रिकॉर्डिंग कर ले, और जब कोई मेहमान आए तो चालू कर देना, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे लड़ने वाले। और अब जब भी लड़ेंगे तो याद रखेंगे कोई शैतान मेरी मोबाइल में फोटो तो नहीं बना रहा है, कोई आवाज तो टेप नहीं कर रहा, ध्यान रखना। क्रोध ज्यों ज्यों बढ़ता है, भाषा अशभ्य होते चली जाती है, भाषा अपनी सभ्यता खो दिया करती है। क्रोध में जितने निकृष्ट वचन हो उतने एकत्रित कर लिए जाते हैं, लेकिन जब प्रेम होता है तो भाषा भी संभलती है और व्यवहार भी संभल जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्रोध से बचने का प्रयास करिए। सामने वाला यदि क्रोध करे तो हम क्या करें मालूम है? जब
हम लोग बचपन में थे तो साइकिल चलाना सीखते थे, हमारे घर कोई भी आ जाए वो घर में बात कर रहा, अपन उसकी साइकिल लेके भाग जाते थे। कभी कभी कोई साइकिल नहीं देता था ना तो एक शैतानी कर देते थे, उस साइकिल की हवा निकाल दिया करते थे, साइकिल में सुई काटा चुभो के पंचर कर दिया करते थे, फिर वो आदमी घर नहीं जा पाता था। मैं भी आपसे कह रहा हूं ऐसी शैतानियां तुम लोग मत करना जो हम लोगों ने बचपन में की हैं, लेकिन आपसे कह रहा हूं इस दिमाग में भी बहुत क्रोध की हवा भरी हुई है, और जब क्रोध की हवा भर जाए और जब क्रोध प्रकट होने लगे उसे पंचर कर देना, थोड़ा सा क्रोध की हवा निकल जाएगी, क्रोध शांत हो जाएगा। पंचर कर दीजिए दिमाग को। पंचर कैसे करेंगे? ऐसे मत करना कि तुम यहां पे कांटा चुभो रहे हो दिमाग में, पंचर नहीं है तो दुर्घटना घट जाएगी। पंचर करने का मतलब इतना ही है कि यदि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो अपने क्रोध की हवा निकाल दो, अपने क्रोध के टायर ट्यूब को पंचर कर दो। कैसे पंचर कर दो? कि भैया जो तू गुस्सा कर रहा है, गालियां दे रहा है, इसका जवाब मैं 5 मिनट बाद दूंगा। ध्यान रखिए, थोड़ा सा धैर्य, 5 मिनट बाद जवाब दूंगा। मैं कहता हूं यदि 5 मिनट बाद जवाब देने का संकल्प ले लिया तो समझना हमारा क्रोध पंचर हो गया, हमारा गुस्सा पंचर हो गया। 5 मिनट बाद आप उस क्रोध का जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। ध्यान, आपको लगेगा यार किन बातों पे लड़ रहे थे, किन बातों पर बहस हो रहा था, ये लड़ने जैसे कोई तो बात ही नहीं। क्रोध को पंचर कर दीजिए। एक आदमी को मैं जानता हूं, वो एक चिट्ठी लिख रहा था, ऐसी चिट्ठी 4 पेज भर दिए उसने, इतनी गालियां इतने गंदे शब्द। मैं वहां पहुंच गया, मैंने कहा क्यों भाई क्या कर रहे हो? अरे बोले बोले मेरा दोस्त है ना, अब दुश्मन बन गया है, बहुत मेरे अपमान किया उसने, मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, हजारों गालियां उसने चिट्ठी में लिख दी, तेरा सत्यानाश हो, तू बर्बाद हो, तू धोखेबाज है। लालू चिल्ला रहा ना नीतीश को कि तू धोखेबाज है, तूने धोखा दिया, गठबंधन तोड़ा, हजार गालियां। ध्यान, चिल्लाते रहो, अभी तो सारी दुनिया में मोदी ही मोदी चल रहा है, ध्यान रखिए। हजार गालियां लिखी उसने, बोले मैं इसको पोस्ट करने जा रहा हूं, उसके पास पहुंचेगी ये चिट्ठी। मैंने कहा एक काम कर मेरे भाई। बोले क्या? मैंने कहा एक काम कर, ये चिट्ठी तूने लिख दी? बोले लिख दी। मैंने कहा इसको आज नहीं कल पोस्ट ऑफिस में डालना, लेटर बॉक्स में डालना। बोले नहीं मैं तो आज ही डालूंगा। मैंने कहा नहीं तू कल डालना। तो बोले कि ऐसे क्या हो जाएगा महाराज, मेरा क्रोध ठंडा हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तू हो या ना हो ये चिट्ठी तू कल डालना। लेकिन एक बात याद रखना, आज इस चिट्ठी को पैक मत कर, रखा रहने दे, कल पैक करना, टिकट लगाना और अपने दुश्मन के एड्रेस पर डाल देना। बोले ठीक है आप कह रहे हैं तो ये नियम मैं पाल लेता हूं। उसने हजारों गालियां लिख करके एक लिफाफे में रख दी। दूसरे दिन जब डालने को गया तो उसने कहा कि यार एक बार पढ़ तो लूं, कोई गाली इसमें कम तो नहीं रह गई है। जैसे ही उसने पढ़ा उसने देखा यार मैं कितना स्टैंडर्ड का आदमी और इतनी घटिया गालियां लिखा करता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ी क्रोध शांत हुआ, चिट्ठी को फाड़ फूड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। बोले जवाब देने से कोई मतलब? ध्यान रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन है, और जब यह पागलपन पैदा होता है तो एक बात याद रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन की निशानी है। जब आदमी क्रोध में होता है तो पागलों जैसी हरकतें प्रारंभ कर दिया करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा पागलपन है जो जब पागलपन ये दूर होता है ना तो पश्चाताप दे करके जाता है हमारी जिंदगी को, सिवा पश्चाताप के हमारे हाथ कुछ लगता नहीं। क्रोध के तात्कालिक पागलपन को शांत करिए, वरना जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। ध्यान रखिए।